बखूब फैल गई बात छनासाई की, अस्पतालों में सहूलत नहीं दवाई की। खाली दिल नहीं है, जाने भी ये मंगदा, सस्ती रोटियां ते नान भी ये मंगदा। दिन ब दिन महंगाई है बढ़ रही, मगर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखने वालों, चाहने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? माशाल्लाह सर, आज तो रौनक लगी हुई है। हाँ। देखिए कैसे प्यारे प्यारे कलर सबने पहने हुए हैं। क्या बात है। और आपने भी माशाल्लाह इतने अच्छे कलर पहने हैं। हाँ। नहीं जचे। लेकिन जो भी आज हिब्बा प्यारी लग रही है। थैंक यू। ये लगता है भरा दी मेहंदी थी आई। आपकी मेहंदी है, अच्छी लगी, अच्छी लग गई। आज का प्रोग्राम हिब्बा के नाम है। अच्छा, नहीं जर्दे दी देख लग रही है। तेकरम साहब बहुत अच्छे ने। अच्छा, वन मन टूटू वाले को मार खाली। क्यों? उन्होंने जाके कहंदा भरा दी मेहंदी लेके जानी किन्ने पैसे। बीजेपी बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबर और खास तौर पे ग्वादर से तशरीफ लाए हुए हैं सेनेटर कौदा बाबर। दूसरी मेहमान एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस एंड जर्नलिज्म, डबल मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी और सीएसएस भी किया, लेकिन अब होती हैं एक मॉडल और फैशन इन्फ्लुएंसर मोहतरमा ज्वेरिया यासिर। शो जी, बाबर भाई बड़ी दूर से आए हैं। बिल्कुल। तो मैं आपके लिए शेर कहूंगा सर। थैंक यू सो मच। बज़्म में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस। वाह। बज़्म में जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, वो जो एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। आपका लड़ना सियासी था, मुझे इल्म न था, चीखते तुम रहे और मेरा गला बैठ गया। मेरा अजदा शेर कैसर साहब लिए। कुछ भी मेरे नाम ही करने लगे हैं, कुछ बीबी के नाम भी करेंगे आप। करांगे करांगे, लेकिन ये कैसर साहब लिए। जी जी प्लीज। इस हुकूमत नु वोट दे के रोया है। इस हुकूमत नु वोट दे के रोया है, मंगियाई दा वेख के अपने सदमे दे विच खोया है, टैक्स दे के उची उची हसदा है, भाभी आके कहंदी कैसर पागल होया है। तो मेरा शेर तो ज्वेरिया जी के लिए अंकल की फरमाइश पे। जी अंकल का। जूस पीता हूँ तो लगता सूप है, जो तुझे मिस ना करे वो कितना बेवकूफ है, पानी पीकर भी नहीं जाती हिचकियां ज्वेरिया, लगता है तेरी याद वाटर प्रूफ है। बाबर साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल जी खैरियत, शुक्र सर। ग्वादर से तशरीफ लाए आप। सर आई एम रियली ऑनर्ड एंड हैप्पी टू बी हियर इन योर शो एंड आई रियली लाइक दिस। एंड मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने ग्वादर का नाम लिया। तो मैं पहले बैक ऑफ द स्टेज बात कर रहा था कि बलूचिस्तान वॉज नोन फॉर कायद आजम रेजिडेंसी। कहाँ बच्चे हैं बैठे हुए, कायद आजम रेजिडेंसी का नाम सुना है किसी ने? किसी को पता है कायद आजम रेजिडेंसी कहाँ है? प्रोग्राम करना है जो ना, तो पेपर लेना है। पेपर लेने आया हूँ, पेपर लेने आया हूँ मैं। कायदे आजम रेजिडेंसी, जहाँ से कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से आखिरी दफा रहे और फिर वहाँ से कराची शिफ्ट हुए। ये हमारी बुक्स में बेटा ज्यारत, और वो इंतहाई खूबसूरत जगह है। बलूचिस्तान को कायदे आजम रेजिडेंसी की वजह से जाना जाता था, लेकिन आज बलूचिस्तान को ग्वादर की वजह से जाना जाता है। और मैं
خوش قسمتی کے گوادر سے ہی ہوں گوادر سے اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے بے شک بالکل انشاءاللہ پاکستان سر پروگرام آپ نے دیکھا ہوا ہے جی بالکل جی بالکل تو آپ کو اندازہ ہے میں ریڈی میں بیلٹ شیلٹ باندھ کے آیا ہوں جی بالکل بھاگوں گا نہیں کیوں تسی بیلٹ کو چھال مارنی تسی نہیں نہیں مجھے صحیح مجھے نے مجھے اندازہ لگایا ہوا ہے کہ چاہے گوادر سے ہوں یا گوجرانوالا سے مجھے مطلب ایک ہی ہے پاکستان کا ایک ہی بندہ جو کرنا ہے کر لو بھائی حاضر ہے لیکن گوادر پرچان لگا سینا تے کہندا سی پیک ساڈی گلی جو کڈو گوادر اور سی پیک کا جو ناتا ہے وہ تو ہے گلی وغیرہ کا مجھے نہیں آئیڈیا ہوگا مگر سر یہ بتائیے کہ گوادر کے بارے میں ایک بڑا ہمیشہ ایک کچھ کنفیوژن بھی رہی ہے ایک مت بھی بن جاتی ہے ہمارے لیے کیونکہ لوگوں نے ہم نے بل بورڈ دیکھے ہوتے ہیں ہم سنتے ہیں عام طور پہ ایک عام فہم ہے کہ آپ سی پیک کا لفظ سنتے ہیں ہمیں بتائیے گوادر کے بارے میں کہ ایکچولی واٹس دی ریالٹی اوور دیئر دیکھیں گوادر ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ ایسا شہر ہے پاکستان کا جس کی اسٹریٹجک لوکیشن کو دیکھتے ہوئے چائنا بھی انٹرسٹ میں آیا اس سے پہلے بھی جیسے ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ گوادر میں اس زمانے سے وہ لوگ ٹرانس شپمنٹ کا کام کرتے تھے یہ عرب کنٹریز آج آباد ہوئی ہیں چاہے دبئی ہو باقی جگہ ہیں وہاں پہلے یہ ہمارے دادا پردادا ان کے پاس تو کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا اس وقت وہاں سیرا ہوتے تھے ہمارے پنجاب کے علاقے سے آتی تھی چیزیں گوادر سے شپمنٹ ہو کے کراچی پورٹ سے پہلے گوادر پورٹ فنکشنل ہوتا تھا 1958 میں گوادر پاکستان نے خریدا اور سر آغا خان کے ہم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہی واز دا ون کہ انہوں نے شاید ہمیں پیمنٹ کی جو ہم نے سلطنت آف عمان سے جو گوادر خریدا سر جنہ تسی گوادر گوادر کر رہے میں لگتا ہے میری گردن تے ایڈا گوادر نکل ہونا اب تو دیکھیں نا پاکستان کا مستقبل یہی ہے مجھے آپ سب کو لاہوریوں کو پاکستان کے باقی شہریوں کو وہیں شفٹ کرا دینا ہے اچھے تاکہ چائنیز وہاں کم سے کم ہو اگر آپ لوگوں نے دبئی بنانا ہے اور اگر آپ نے لاہور والوں کو وہاں شفٹ کرانا ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ پہلے آپ شہباز شریف صاحب کو وہاں لے جائیں اور 5 سال لگانے دیں اس کے بعد وہ جو حال کریں گے گوادر کا پھر ہم آ سکتے ہیں کم از کم اگر 2 درجن انڈر پاس نہ ہوئے تو ہم نے گوادر انٹر نہیں کرنا بلکہ تسی اتے کیا کرنا گیا ہے جتھے پول نہیں گئے تھے ساڈا گوادر ہوندا سی آئیے گا وہاں پہ بہت خوبصورت بیچز ہیں 600 کلومیٹر بیچ ہے ہمارے پاس آپ انہیں کیوں بتا رہے ہیں اچھا ہوئے نہ ہوئے انہوں نے تو گندا ہی کرنا ہے آخر میں ویسے بیچ تو بہت کمال ہے اور گوادر کے بیچز جو ہے وہ جتنے کلین اور کتنے زبردست ہیں اندر دن دیکھ آئی تھنک اٹس اے ڈیپسٹ سی پورٹ ایز ویل یہ بھی ایک بڑا کمال گوادر کی لوکیشن کا ہے آپ کبھی گئی ہیں گوادر نہیں آئی ہیونٹ بین دیئر لیکن میں ضرور جانا چاہتی ہوں اور ضرور جی آپ سب کو میری طرف سے یہی دعوت آپ کر لی ہے آپ نے ہمیں تو یہاں پہ کیا ان کو آپ نے پہلے انوائٹ کر دیا ہم نے ایک دوسرے کا انٹرویو پہلے لے لیا نا آپ ہمارا لے ہم آپس میں ایک اچھا آپ نے بات چیت شروع کر دی ہوئی تھی بلوچستان اور فاٹا میں بہت پیار ہے نا نہیں وہ تو ہے تو ہم بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں مطلب یہ پیار ہم پہ بھی نچھاور کریں نہیں آپ ہی پہ نچھاور کرنے کے لیے تو میں بول رہا ہوں پہلے ان کو اس طرح سے آفیشلی اب آپ کے سامنے سب کے سامنے آفیشلی آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ گوادر آئے ہیں کہ آپ پروموٹ کریں کہ آپ کے ہمارے پاکستان کے لوگ کو ٹورزم جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے سیریس نوٹ پہ بچوں سیریس نوٹ پہ ہمیں ضرور اپنے بیچز کو دنیا جاتی ہے کوسٹل ایریاز میں بالکل اب ان شاء اللہ تعالیٰ حکومت بنانے بھی لگی ہے کوسٹل ڈیولپمنٹ کا کچھ تو وہ اتھارٹی بنے یا نہ بنے ہم اپنے بلوچستان گورنمنٹ سے میرا بھی تعلق ہے میری اسی پارٹی سے افیلیشن ہے تو ہماری کوشش ہے کہ پورا پاکستان اپنے ملک کے بیچز دیکھے جیسے میں نے جا کے انزا دیکھا پہاڑ دیکھے جو میرے پاس نہیں تھے بلوچستان کے باقی علاقوں میں ہیں زیارت میں ہیں لیکن واٹ اے ونڈرفل پلیس بالکل ناران کھاگان جا کر میں جو دیکھ کے آیا ہوں آگے جو میں یورپ بھول گیا مگر دیکھے آپ کو کھلی دعوت دی ہے بابر صاحب نے کہ آپ گوادر آئیں سو آ کے کریں ہمارے لوگ گوادر کے سمندر کے کنارے کے لوگ آپ کو ایک بات بتاؤ جتنا آپ سمندر کے قریب رہتے ہو نا اتنا آپ ٹھنڈے مزاج کے جاتے ہو اتنا تسی سمندر کہہ رہے ہو تے نکرا کرایا تے نہیں دیندے جرنلزم اور پھر سی ایس ایس بھی کر دیا تو یہ سب کچھ کر کے اس کا کیا کیا شادی ہاں شادی شادی تو ایک الگ چیز ہے مگر ویسے ان ڈگریز کا اس کا یہ کیا آف کورس آپ جتنی بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ
जिंदगी भर रहती है, आप जितना सीखते हैं पढ़ते हैं आपके साथ। चलिए डिग्रीज तो समझ आ गई मुझे, सीएसएस बीच में कहां से? सीएसएस इस तरह क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट किया और मेरे वालिद जो है उनको बहुत उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी जो है वो सीएसएस करे और मैंने भी बड़ी ख्वाहिश में किया, बट देन फिर आई गॉट बोर्ड थोड़ा सा, मुझे नहीं पसंद आया। प्रैक्टिस भी किया सीएसएस? प्रैक्टिस भी किया, फिर मुझे नहीं फेल हुई, सीएसएस एकेडमी तक ही मैं पहुंची। फिर उसके बाद ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जब हम जिंदगी में बहुत सी चीजें करते हैं देखते हैं तब हम समझते हैं कि हाँ अब हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं। तो मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी क्योंकि मुझे थ्योरीज बहुत पसंद है, तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं। लेकिन जेडे तुसी प्यारे ने सीएसएस करके अफसर बन जाते हैं, हर बंदे ने मुजरम हो जाना सी। मैंने जाना भी पुलिस में था, लेकिन मेरे वालिद ने कहा पुलिस में नहीं जाना, जो मर्जी, मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, मैंने रिजाइन। चंगा कि तो पुलिस नाके ते खलो के पैसे फटदे किड्डे बुरे लगदे थे। ऐसे होती तो आपको लगता है कि मैं, मुझे पकड़ने पड़ते, मुझे खुद आते पैसे ऑफिस में, मैं इनकार करती। तुसी पुलिस होंदे मैं हाथ कड़ी अपनी लेके आना है, मेनू ला लो। डिग्री आपने हासिल तो की पॉलिटिकल साइंस की, तो इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर? आई एम श्योर है। और खुश है जो भी इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है हमारी? नहीं है, क्यों, क्या मसला? There's always a room for improvement. हर जगह में आपको, of course. मैं बहुत spiritual, not religious sense में नहीं कह रही हूँ, spiritual means के मैं देखती हूँ कि हर चीज़ को एक repairing चाहिए हर वक्त। हम सब शायद इस तरह से देखते हैं full energies के साथ, तो मुझे लगता है कि अभी भी because travel भी करते हैं, मैं अपने आप से ये बात सोचती हूँ कि आई एम नोबडी, लेकिन मैं ट्रैवल करूँ आप भी, हम कितना दिल करते हैं हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं है, उसमें ऐसी चीजें क्यों नहीं, हमारे बेसिक्स क्यों ठीक नहीं है? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब ये है कि आई गो टू डिफरेंट कंट्रीज एंड आई प्रेजेंट पाकिस्तान वहाँ की एज अ स्टाइलिस्ट एज अ चीज़ों में, फिर वो बड़ा हैरान होते हैं कि अच्छा पाकिस्तान ऐसा है, ऐसे लोग हैं, आप लोग इस तरह हैं, वो उनको नहीं है ये शौक। आपने अगर इनको स्टाइल करना तो आप क्या कहेंगे? कोई स्टाइल की मार्जिन आपको लगता नजर नहीं आ रही? नहीं, नहीं मार्जिन है, लेकिन वो इतने अप्रोप्रिएटली स्टाइल्ड हैं कि कुछ लोगों को वाकई जरूरत नहीं होती, मतलब उनकी पर्सनालिटी के साथ वो जा रही है, मार्जिन ही नहीं है इनके अंदर इतना, ये वो है। लेकिन मुझे लगता है कि कॉलर शर्ट और आपने इसे टक इन की हो बेल्ट के साथ और पैंट जो ऑफिस पैंट्स होती हैं और वो शूज और उस पर फंसे हुए हो, ये जो आपने बताया सारा इसके लिए। मैं ना तो नाराज हूं, क्यों इतनी जल्दी शादी क्यों की थी? आप लोगों ने बुलाया नहीं मुझे रात में, पहले इतना देर कर आप इतने छोटे हो मुझसे पता नहीं 20-25 साल, वो तो फिर बड़ी थी थोड़ी सी ना। तुसी सही गवादर जे। अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम बस आराम कर रहे हैं, जिनको मिलता था सकून लंदन में जेल में अब कयाम कर रहे हैं। ECL में धड़ाधड़ ही डीजे शामिल हर एक का नाम कर रहे हैं। सो सारे Okay, fine. Yeah, then, Mr. Donald then, Trump, then. Meri khala da munda. वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जवेरिया ये बताएं, फैशन इन्फ्लुएंसर भी हैं, ये क्या होता है पहले तो ये बताइए जरा। फैशन इन्फ्लुएंसर इस तरह होता है कि कोई प्रोडक्ट्स, कोई डिज़ाइनर, कोई भी चीज़ आप उसको खुद यूज़ करते हैं और फिर आप रिव्यू लिखते हैं उसके बारे में या आप लोगों को बताते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस तरह पॉलिटिकल फिगर्स, सेलिब्रिटीज़ इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं हमारे फ्यूचर में, हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, उस तरह फैशन इन्फ्लुएंसर्स भी इसी तरह होते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको सोसाइटी में चीज़ों से, तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग, आप उस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को अपने इर्द गिर्द। इंस्टाग्राम पे आप हैं? इंस्टाग्राम पे भी, ब्लॉग पे भी, राइटअप्स पे भी, फिर आप पर्सनैलिटी शूट्स, यू आप बात करते हैं उस चीज़ के बारे में, अच्छी बुरी ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं लोगों को, ताकि कि ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की है, ये इस तरह है, तो आप उसको इस तरह से करें, तो आप इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। इंस्टाग्राम पे हैं आप, इनको फॉलो करते हैं? जो उन्होंने शादी की थी मैं छोड़ता तो दुखी हैगा, मैं ना तो फैन हैगा सी उन्होंने शादी की। भाई फैशन इन्फ्लुएंसर हैं वो, आप फॉलो करें, शायद कोई फैशन चीज ही आप इन्फ्लुएंस हो जाए उनके। मैं ठीक, अपने अंकल ने ठीक है मैं। यार मैं वो स्टाइलिश भी हैं, स्टाइलिश भी है, लेकिन अच्छा चलिए ये छोड़े इस बात को, इतना तो मैं पूछ सकता हूँ, जल्दी क्यों की थी? आप कोई पूछे उनसे कुछ स्टाइल टिप्स लें, आप कुछ स्टाइल, कोई बालों का, स्किन बालों का, क्या सोचा ये इतना कुछ कर रही है, ब्रेक लगाए जरा, शादी कर दें फिर PhD और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो कुछ स्टाइलिश बनने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? नहीं ना, मुझे तो सलवार कमीज या अंगूठी, ये टैक्का, ये वैसे ही बड़ा पसंद है, ये स्निकर स्निकर रिप जीन्स, ये सारे आपको सलवार कमीज और अंगूठी इनके अंदर नजर आ रही है, जरा खड़े होइएगा, आपने कमीज क्या दी, तो कमीज ही है।
अच्छा सेनेटर साहब के स्टाइल के बारे में क्या टिप देना चाहेंगे आप? मैं पहले इतनी मुतासिर हूँ उनकी स्टाइल से। आपने खुद कहा कि इम्प्रूवमेंट का मार्जिन हमेशा होता है। हमेशा होता है। जरूर बताइएगा प्लीज। बदल नहीं ले सर यानी कि आप लोग तो पूरा सिखा के आए हैं, आप सीख के आए हैं। बात सुने पीछे बैठ के आपने उनको दी है दावत कि आप आ जाए ग्वादर सिखाया हमने है। ये क्या बात हुई? मैंने कहा बहन जरूर ग्वादर आइएगा, पूरी बात भी पूछ ले। वो बहन के साथ एक मेकअप वाला भी खड़ा हुआ था भाई, उसको भी बुला लेते। उसको भी बुला लिया मैंने, तो आपकी पूरी टीम को बुला लिया। बाद में बुलाया आपने? बुलाया मैंने पूरी टीम को। एक प्रोग्राम तो आपका वहाँ बनता है, प्लीज मेरी खातिर, प्लीज सर आप आए मेरे गेस्ट रहे। स्टेडियम मेरे है आप लोगों का बाबा विजिंजो, विजिंजो स्टेडियम है, बड़ा जबरदस्त एक स्टेडियम भी है वहाँ पे, पूरा आप करें बिल्कुल। हम बिल्कुल जब आप हुक्म करेंगे इंशाल्लाह आप ग्वादर। हम इन्हां ना ग्वादर ना जाना, उथे बंदे नु ले जांदे फिर उथे जाके कहंदे 20 रुपए दे तेनु समंदर विखावा। बेरोजगार बिल्कुल। सो कपल ऑफ डेज अगो आई वेंट टू द सी एम। विच वन? दिस इज द उस्मान समझदार। Yes, उन्होंने मेरी सिफारिश की थी। उन्होंने क्या तेनू ना सी बिल देंगे, बिल ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दे गैस दे, ओके, तू लोकां दे घरां विच सुटी, ओके, ओ तेनू 5 रुपया देंगे पर बिल। यस ठीक है। आई वेंट टू द पहला बिल मैं सुटिया, ठीक है, ओ बंदे ने बिल इंज करके पड़े, ठीक है, उस तो बाद मेरा हाथ फरे। अच्छा। ते 5-6 चपेरा मारिया मेरे मुंह। मैनू कहंदे इना बिल? मैं कह ते मैं ते नहीं ना बुनाया। हाँ। ते तुसी जिन्ने यूनिट खर्च कीते ने, हाँ, उन्ने ही बिल आना है। हाँ। ते उन्ने उत्ते पढ़िया, उत्ते लिखा सी 2,015 रुपए। अच्छा। कहंदा 2,000 मैं भर लांगा ते 15 चपेरा खा मेरे को। उत्ते इन्नी मैनू फैंती पई है। अच्छा। एक बंदा ते बड़ा ही नफीस शरीफ आदमी, चलो यार, उन्ने मैनू चपेर नहीं मारी, उन्ने लफौर मारिया मेरे मुंह। टोटल मेनू 3 रुपये हुए ने, बाकी टोटल ही चपेड़ा ते कसूने हुए। जदों भी जबरान खान की हुकूमत आई है, हुकूमत आई है, यस, मेनू ते लॉस ही होया है। अच्छा, तुम्हें काम करो, तुम छोड़ो, तुम ना ग्वादर निकल जाओ, हमारे पास सेनेटर साहब आए हैं ग्वादर से। आई लव ग्वादर। उठे बड़ी तबीर हो रही है, मानने वाले नहीं पहुंचे अभी तक वहाँ, लेकिन नहीं पहुंचे, नहीं, नहीं, ना, 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 ना इजाजत ही नहीं हम नहीं दे रहे भाई। ना ना हर जगह पाकिस्तान को बदनाम करेंगे क्या, वहाँ कोई फॉरेनर आके हमें मांगना वाला समझे, ना ना, आपको रोजगार देंगे वहाँ पर इंशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान को वहाँ रोजगार देंगे और आप मेहनत से खुशहाली से वहाँ रहेंगे इंशाल्लाह। आई एम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट। ओके फाइन। डोनाल्ड ट्रंप मेरी खाला दा मुंडा है। उनसे क्यों मांग रहे हो? नहीं तो उन्हें दी जुकूमत नहीं, हकुमत, हकुमत थे ना दी। अरे यार वो बलोचिस्तान में सेनेटर हैं। I love बलोचिस्तान। बलोचिस्तान पाकिस्तान दी तरक्की दा हब हैगा। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ 5,000 नहीं 500 अरब डॉलर कमाओगे आप। सुन सुन के मैं पागल हो गया। नहीं
इस काम को मायूसी से निकलना पड़ेगा और मांगने से भी निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा जी आइंदा। पीटीआई दे क्योंकि पीटीआई वाले बंदे कहते ने नाम पैसे तक तो मूंह तो लगता मैं सर की हो सकता मैंने कहते ने जिनके घर एक कनाल और एक कनाल के ज्यादा रकबे पर तामीर है हाँ वही लोग हमारे ख्वाबों की ताबीर है। वाह 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 वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जुवेरिया ये बताएं आप खुश हैं अपने वोट से? सही चल रहा है? और आपने जिनको वोट डाला वो बाहर हैं या वो अंदर हैं? या वो बहुत अंदर हैं? कौन से वाले हैं? वो बीच में हैं। अच्छा बीच वाले हैं जो अंदर हैं, ठीक है आपने उनको वोट डाला और खैर जमानत पे हैं क्या वो? ये ज्यादा एक बेहतर है जो आपने वोट डाला वो जमानत पे है या नहीं जमानत पे है? बस वो हैं कि वो संभाल सकते थे और संभाल रहे भी थे। छोटो जमानत दे दोसो पैसे वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? ये देखो ना तुम सीधा पैसों पोतर है, कितने मतलब ही आदमी हो तुम। नहीं नहीं मैंने सही कह रहे हैं, पैसों की तो सारी बात है क्योंकि खान साहब यही बोल रहे हैं ना पैसे दो तो निकल जाओ। तो पैसे चाहिए हमें, चाहिए पैसे। तो बताएं आप वो दे रहे हैं पैसे कि नहीं दे रहे? तुसी क्यों असरे तड़ को लेके देने उन्होंने? मुझे कुछ याद आ गया लेकिन मैं कहना नहीं चाह रही, कोई बात नहीं। मेरे होते आपको कुछ और याद आ गया? आपका कैसर भाई बैठा हुआ है उन कोशिश ये ना भाई यासर भाई मेनू बार फड़े आवे फायदा की फिर। मगर आप पहले इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो तो करना शुरू करें ना। इंशाल्लाह मैं यासर भाई कैसे हो सकते मेरे वालिद का नाम हो अभी भी मेरे साथ, मैंने ना चेंज किया हो। सानू ना क्लियर करो ताकि असि उस हिसाब ना गल्ला करिए। जरूरी नहीं है यहाँ पे लगता हाँ। है और कहा जाता है कि आप नाम बदलें पासपोर्ट आईडी अब शादी होगी, बट ये जरूरी हरगिज नहीं है। आप उसी नाम के साथ सिर्फ स्टेटस चेंज करके लड़कियां अपना अपने ही वल्दियत को चला सकती हैं साथ। और मैं यही कहूंगी कि अपनी वल्दियत को ही चलाएं, अपने नाम को ही रखें इवन इफ यू आर मैरिड। जरूरी नहीं है कहा हमें लगता है जैसे नाम बदलना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप वैसे उनको भाई का नाम बता दीजिए। नहीं नहीं वैसे ही नहीं नहीं मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। यासिर ही है, मैंने वैसे ही कहा कि हो सकता उनका नाम यासिर ही है ना। यासिर ही है, शुक्र है फिर शुक्र है ना। मतलब भैन ने साडे वड्डे भरा ने उन्होंने साडी भैन खुश रखे और की चाहिए सानू। नहीं नहीं सही बात, बैरिस्टर एट लॉ है वो जी जी, कानूनदान है वो। बस ठीक है, इसलिए तो मम्मी तेरी भैन ही कह रहे मैं सही है बहन बोल दिया जल्दी है। लेकिन आप लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। अभी भी आप अगर हमारे अरब कंट्रीज में जाएं तो वो औरतों का पासपोर्ट या आईडी कार्ड सिर्फ बाप के नाम से ही बनता है, किसी हस्बैंड के नाम से तो बनता ही नहीं है। और दूसरी बात ये रही कि औरत को अपने नाम पे अपने चॉइस पे, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें बदलनी पड़ेंगी हमारी सोच। देखो आप बलूचिस्तान से सूटेड बूटेड बंदा आपके साथ बैठा हुआ है ना, तरक्की करेगा मुल्क, सबर करें साल नहीं लगेगा। जिन्ना तुसी सूटेड बूटेड कह रहे हो जिन्ना तुसी किसे दा पा के आए जब मुझे जब आप ग्रूम्ड आते हैं। मैं साउथ वजीरिस्तान से हूँ, फाटा से एफ आर, तो वो मेरे लहजे में भी वो चीज नहीं है, लोग बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन बहुत खुशी होती है कि जो ऐसे एरिया से फ्लरिश करते हैं तो वो अच्छा ही लगता है। जाहिर है इट्स पाकिस्तान तो है ना, चाहे बलूचिस्तान हो सिंध हो पंजाब वो असल में। और मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ ना तो मैं सिर्फ शलवार कमीज पहनता हूँ जी। रीजन ये कि यहाँ पर देखें बलूचिस्तान को, मुझे आप लोगों के सामने बलूचिस्तान के लिए पता है बलूचिस्तान में क्या है, लोग डरते थे बलूचिस्तान में पता नहीं क्या। बलूचिस्तान बहुत कूल, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत प्यार करने वाले लोग जैसे हम हैं। मैं जाता हूँ पता चल जाएगा लाहौर और आप जाएंगे, हम सब जाएंगे इंशाल्लाह, हम सब जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं कहता हूँ हम पूरे पाकिस्तान को दावत देते हैं कि वो एक बार अपने मुल्क का हर शहर जो अफोर्ड कर सकता हो और इतना महंगा भी नहीं होता, छोटे होटल्स होते हैं, हर चीज होती है, हर शहर आप अपना जाकर देखें। मैं मैट्रिक में था, भाग के आया था लाहौर देखने भाई जान। वाह लाहौर तब से दे, मैं लाहौर तब से मुझे प्यारा है, मेरा प्यारा शहर है ये। वाह लाहौर के साथ एक दिल लगी, एक मोहब्बत है जी। तो इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ के लोग तो स्पेशली आए, बाकी पाकिस्तान के लोग भी आए। बस हुण तुसी लाहौर आए, दो दिन मेरे को रहना, मैं तुहानू खोता बिरयानी खवाऊंगा। जो खैर एक वाकया था इन वो जमाने में का फसा हुआ इनके ज़हन के अंदर। कल इन्हें इन्हां दे वाले साहब ने सही गोश्त खाधा तो बीमार हो गए।
आप नीचे सो रहे थे थल में पोर्शन है ओके शब्बर जैदी वाज कॉलिंग मी टू क्रिकेट धाम मत नक दिन शब्बर जैदी साहब का फोन शब्बर जैदी साहब दी कॉल ते कॉल कॉल ते कॉल कॉल ते कॉल ठीक है मैं के चुका ना लेकिन चुक ले मैं के सर ऑर्डर लाओ मेनू कहंदे ने कम टू मी टू द ब्रेकफास्ट ओके नाश्ता कीता साहब और दे नाल वाह वाह मेनू कहंदे ने 17,000 बंदियां दा डाटा मिलया है जेडे एन ने एफ नहीं ये क्या यानी नॉन फाइलर ने फाइलर नहीं मैं क्या सर ते की हो सकता मैंने कहते ने जिनके घर एक कनाल के ज्यादा रकबे पर तामीर हैं हाँ वही लोग हमारे ख्वाबों की ताबीर हैं वाह वाह मैं क्या सर शेर शहरी तो अक्सर झूठी होंगी है लेकिन तो तुसी सच कह दिता मैंने कहते ने यार तजावीज दे अच्छा के बंदे नॉन तो एफ किवें हो जान नॉन फाइलर से फाइलर कैसे हो यस ठीक है मैं फिर दितियां तजवीजा क्या दी ओ खुश हुए ने क्या मैं कह सर जेड़ा बंदा टैक्स ना देवे हां ओनु नान जेड़ा भी वेचे उते तेल ना ला के देवे बगैर तिलों तो नान दे नॉन फाइलर को बगैर तिलों वाले नान दिए जाए यस अच्छा और बगैर जेड़ा नॉन फाइलर होवे ओनु फेसबुक दे उते हां सिर्फ मेल रहेगा वो एक्सेप्ट होएगा फीमेल एक्सेप्ट नहीं होगी रिक्वेस्ट नॉन फाइलर को सिर्फ मर्दों की फ्रेंड रिक्वेस्ट अलाउड हो यस ठीक है तीसरा मैं उन्होंने दसिया मैं क्या सर जेड़े फाइनल होंगे उन्होंने घर बारिश होएगी ठीक है जेड़े नॉन फाइनल होंगे बदल गरज के चला जाएगा वैसे इनकी इनकी एक बात है ना कराची वाले अगर सुन ले ना बारिश वाली बात हाँ जी वो तो नॉन फॉलर रहेंगे वो कहेंगे अच्छा है बारिश ना ही हो हमारे पास नहीं भाई वो तो बारिश होते होंगे और आपने सैल्यूट नहीं किया मैं सेनेटर बैठा हूँ ओ मतलब मैं तो हूं पछाने अपना ग्वादर पसनी गारो आप चौकी खुशदार बलोचिस्तान उसे सेंट्री का काम कर दे जिते सैनेटर हो ना जी उसे सल्यूट करना चाहिए सर थैंक यू तो साढ़े घर दिन टूटियां भी खराब सैनेटर बाबर साहब यस मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ अच्छा सर इस वे बलोचिस्तान की तरक्की दे विच इन्हां दे पूरे खानदान का बड़ा हाथ है इस वे सी पैक इन्हां दे बवर्ची खाने दे विच भी जा रहे ठीक है सर मैं तुहानूं जेन्युइन दस रहा मजाक अपनी जगह ते रहा लेकिन सब तो ज्यादा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਬਣਾਇਆ ਗਵਾ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਭਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਗਵਾਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਹ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ओ नहीं नहीं होते वैसे मुलाजम ने ना वैसे रोटी पानी की दुकान है मुझे क्या पता नहीं नहीं आप जिम्मेदार ने माशाल्लाह ते भाभी भी सियासत में अरे ये भी एको कही गल नहीं नहीं ओही मैं सोच रहा मैं मैडम नु किधरे वेख्या आ ओ ते ए नहीं अपना मैडम जवेरिया यासर साहब माई गुडनेस ऐसे बेहतरीन एक्ट्रेस मॉडल ते अपना सेनेटर ने सेनेटर मिक्स फ्रूट चाट हो गया सर इतना सर मैं थोड़े ना लेनी फोटो क्योंकि मेरे को ना जी तमाम सियासी लोगों की तस्वीर मौजूद ने थोड़ी नहीं सी है ते मैं के चलो थोड़ी भी थाने चला लई है जी सर कैन आई हैव सर प्लीज सर सर माय प्लीज सर एक तुसी बनाओ हां थोड़े नाल हाथ नाल जरा मैं ठहर मैं इधर आ जाऊं
بلکہ ایک منٹ ٹھہرو میڈم کو بھی ساتھ رکھو ایک منٹ ٹھہرو میں آپ دونوں کی نہ بنا لوں نہیں نہیں تسی بیٹھو تسی بیٹھو تسی تینوں نہیں بناو میں تواڈے وچ کراپ تھینک یو آپشنز آپ کے پاس ہیں جناب قائم علی شاہ اور جناب پرویز کھٹک پرویز کھٹک تو بالکل نہیں قائم علی شاہ کوئی خاص وجہ بزرگ بندے دعاواں دین گا ویلکم بیک ٹو مذاکرہ جی ہبا عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں قیدیوں کو پرسکون رکھنے کے لیے گلابی رنگ کی جیلیں تیار کر لی گئی ہیں اور اس پروجیکٹ کو کول ڈاؤن پنک کا نام دیا گیا ہے اصل میں سائیکالوجسٹ کا کہنا یہ ہے کہ پنک کلر انسان کے موڈ کو اچھا کرتا ہے اور یہ خوشی اور پازیٹیوٹی بھی پھیلاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قیدیوں کو پرسکون رکھنے کے لیے پنک کلر کی جیلیں تیار کر لی گئی ہیں بڑی گل ہے واہ واہ جیل جی کھڑ کے چھتر مارن دے ان ادھروں کہن کے جی تو ہی کلر دیکھو کیڑا نہیں نہیں بھائی پنک کلر دیا جیلاں مثلا قیدی خوش ہون گے انہاں رنگ اچھے ہو جان گے لال رنگ دے ہو جان گے جدو رہا ہو گے انہوں پوچھن گے سیب دا کمال ان کہنا نہیں جی پنک جیل دا کمال اگر بھائی کلر فل جیلیں ہو سکتی ہیں رنگوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے آپ کے روز کی زندگی کے اندر بلیک کلر پسند ہوتا ہے بلیک کلر وہ کہا جاتا ہے سائیکالوجی میں کہ سب سے رنگین مزاج اور سب سے کلرفل مائنڈز ہوتے ہیں جن کو بلیک کلر پسند ہو حالانکہ بلیک پسند ہوتا ہے بلیک کلر اور جن کو پنک پسند ہو فنی ہوتے ہیں وہ ذرا فنی ہوتے ہیں اور جن کو یلو ہو نیوٹرل اور جن کو گرے ہو بس اتنا نہیں بتا جن کو بلو ہو تو تین نہیں جو بلیک کلر بلو پسند کرتے ہیں جن کو بلو پسند ہو پوچھ رہے ہیں بلو کا ایک بہت وہ ہے آپ بلو کلر پہنتے ہیں کسی امپورٹنٹ میٹنگ میں آپ کو پتہ ہے نا بلو کے پیچھے ایک بہت زیادہ یہ تو جب عمران خان صاحب گئے تھے وہاں واشنگٹن میں ہی واز ویئرنگ بلو ایز ویل اس کے بعد یہ ہوئی تھی جب بھی کسی امپورٹنٹ پولیٹیکل آفیشیل میٹنگ میں آپ بلو کلر پہن کے جاتے ہیں تو یو ہیو لک آپ نے بھی اسکائی بلو پہنا ہوا ہے مجھے بچپن سے پسند تھا بلو کلر آپ کی ویریشن دیتا ہے وائبس دیتا ہے اگلے انسان کو کہ آپ کو بلو کلر پسند ہے آفیشیل میٹنگز میں پہننا چاہیے نہیں بھاؤ نہیں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے 2020 کا جس میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپ کو آپشن دوں گا آپ لوگوں کو ان میں سے اپنا جواب چوز کرنا ہوگا کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ لوگ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہی تو آپ ہمارے جنرل نالج کے سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں ٹھیک نہیں آپ کی اپنی کال ہوگی آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے تو کون پہلے کھیلنا چاہے گا ان سے میں ذرا سیکھوں کیسا ہوتا ہے مجھے ذرا ان سے سیکھوں یہ بتائیے فرض کریں ایک لفٹ میں آپ داخل ہوتے ہیں اور تین لوگ وہاں موجود ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ بابر صاحب آپ سیلفی لیں گے ایک کو آپ کرٹسی میں اسمائل دے دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ گیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو تین نام دینے لگا ہوں آپ نے ان کو پلیس کرنا ہے ان جگہوں پہ ٹھیک ہے جو تین نام آپ کے پاس ہیں وہ ہیں جناب قائم علی شاہ جناب چودھری پرویز الہی اور جناب حاصل بزنجو میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے لفٹ سے بہت ڈر لگتا ہے میں چڑھوں گا ہی نہیں لفٹ پہ نہیں نہیں آپ کو ہم چڑھائیں گے آپ کا ڈر اترا ہوا ہے سیلفی کس کے ساتھ لے کے پہلے یہ بتائیں سیلفی میں قائم علی شاہ کے ساتھ ٹھیک ہے اسمائل کس کو دے رہے ہیں اسمائل میں میر حاصل خان کو دوں گا ٹھیک ہے بابا جنجو صاحب کو اسمائل مل گیا اور کس کو کہیں گے فلور آ گیا ہے جو آخری بچا ہے اس کو بتا دوں گا بھائی راستہ یہ ہے آپ کا چودھری پرویز الہی صاحب جی چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا فلور آ گیا ہے اس وقت یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر بڑی سی فریم کرا کے آپ کو اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اٹھیں گے تو آپ کی نظر سے پہلے اس تصویر پڑے گی وہ تصویر ان میں سے کس کی آپ دیکھنا چاہیں گے وہ جو آپشن آپ کے پاس ہے وہ ہے جناب آصف زرداری اور میاں شہباز شریف آصف زرداری یار آصف زرداری صاحب دونوں اتنے اچھے ہیں ان کی مرضی آپ اپنے سوالوں کا انتظار کریں یہ بتائیے سر ایک چیئر لفٹ ہے جس پہ آپ جا رہے تھے اور چیئر لفٹ دو پہاڑوں کے درمیان میں جا کے پھنس گئی ہے نیچے کھائی ہے اوپر چیئر لفٹ پہ آپ ہیں سات سے آٹھ گھنٹے اس چیئر لفٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی مدد نہیں آنے والی اب سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے ان میں سے کس کو اپنے ساتھ اس چیئر لفٹ پہ آپ بٹھانا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں محترمہ فردوس عاشق اوان اور مہوش حیات فردوس عاشق اوان فردوس صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے یہ بتائیے سر ان میں سے کس کا فون آئے تو فوراً اٹھائیں گے کس کا فون آئے تو میسج پہ جواب دے دیں گے اور کس کا فون آئے تو اپنا فون بند کر کے آپ سائٹ پہ رکھ دیں گے آپشنز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہیں مراد علی شاہ جناب پرویز کھٹک اور جام کمال خان جام کمال خان صاحب کا فون فوراً اٹھائیں گے فوراً میرے پارٹی کا پریزیڈنٹ کوئی گستاخی نہیں میسج پہ کس کو جواب دے رہے ہیں میسج پہ تو پھر کھٹک صاحب ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اور کس کا آئے تو بند کر کے سائٹ پہ رکھ رہے ہیں مراد علی شاہ مجبوراً رکھنا ہی پڑے گا سائٹ میں مراد علی شاہ صاحب کا فون فی الحال سائٹ پہ ہے یہ بتائیے ایک لانگ فلائٹ پہ ہے 13-14 گھنٹے کی ساتھ والی سیٹ آپ کے خالی ہے کچھ لوگ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں ان میں سے کس کو اپنے ساتھ آپ بٹھانا چاہیں گے اس لانگ فلائٹ کے اوپر آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں صبا قمر ماہرہ خان اور
मोहतरमा शीरी मजारी सबा कमर कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ जब लाहौर आया था शुरू शुरू में तो वो एक एक्ट्रेस थी जो मशहूर हो रही थी। अच्छा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता था कि उनको देखूँ, वो कोई ड्रामे शामे में कोई हेड शेड में उनको मैं देख सकूँ कभी पर्सनली, तो मैं कभी नहीं देख पाया तो ज़रूर उनको। ये बताइए, अगर ये ख्वातीन आपसे रिक्वेस्ट करें कि मजबूरी के तहत आपको इनमें से किसी एक के साथ शॉपिंग पे जाना है, हाँ। और उन्होंने अपनी शॉपिंग करनी है बहुत देर, ठीक है, किसको अकंपनी करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं रिहाम खान, आयशा गुलेलई और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। यार माफ कर दो मुझे भाई, मुझे इन तीनों के साथ नहीं जाना यार, मुझे माफ कर दो। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे आप? जाना चाहिए, जरूरी है, मजबूरी के तहत। मजबूरी के तहत इनमें तीनों में से नाम फिर से बताएं। रिहाम खान, आयशा गुलेलई, मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब ठीक है, ठीक है, मरियम औरंगजेब ठीक, बस ठीक है। सर डूबती कश्ती में सवार हैं आप, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपका अपना और दूसरा आप किसी को देके उनकी जान बचा सकते हैं, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं जाम कमाल और इमरान खान। मुझे बसवा रहे हो भाई जान, आप ऐसे भी ना करो। तो मुझे देखे, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं बलूचिस्तान की कुर्बानी दूंगा, मैं इमरान खान को दूंगा। जी जवेरिया, देखा आपने पहली बार खेल रहे और क्या कमाल उन्होंने खेला। आधी रात का वक्त, फोन में सिर्फ आपके एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है और आप शदीद बोर हो रही हैं। किस एक शख्स को कॉल करेंगे आप अपनी बोरियत को किल करने के लिए? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और उस्मान बुज़दार। दोनों को ही नहीं मिली हुई इसलिए मैं नहीं कह सकती, जनरल नॉलेज कर लें। जनरल नॉलेज पे जाना चाहती हैं? के जगह जनरल नॉलेज होगा ना? नहीं, आपको मैं तीन क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप करेक्ट आंसर ना दे पाए। एक के साथ स्विच नहीं, वो इसलिए वो इजी है, तो आप वहां पे जनरल नॉलेज में फिर आपको जनरल नॉलेज आप लोगों के बहुत मुश्किल है। सीएसएस के में भी 2012 में किया था, तो 6-7 साल ही गुजरे हैं, मगर आप चाहें तो भी वापस जा सकती हैं उस, हां उन्हीं के साथ। किन के साथ? द सेकंड ऑप्शन, फयाजुल हसन चौहान आपका जवाब है, ठीक है जी। ये बताइए, बोर होंगी? नहीं बोर नहीं होंगी, अच्छा है, वो बहुत बोलता है, मैं आपको बचा रहा था। मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगी तो उस तस्वीर को देखेंगी, वो जॉइंट साइज तस्वीर इनमें से किन की होगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो है जनाब असफंद यार वली और जनाब शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ फौरन तस्वीर, उन्होंने कहा कि मैं उनकी देखना चाहती हूँ। लिफ्ट में एंटर हुई हैं, एक के साथ सेल्फी लेनी है, एक को आपने स्माइल देनी है और एक को आप कहेंगी कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं फवाद खान, अली जफर और फहद मुस्तफा, तो किसके साथ आप सेल्फी ले रही हैं? अली जफर के साथ सेल्फी। स्माइल किसको दे रही हैं? स्माइल फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा को, और किसको कहेंगी फ्लोर आ गया? फवाद खान को। फवाद खान साहब, आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया, प्लीज आपका फ्लोर आ गया, बस कर दें आप, प्लीज बस कर दें आप, प्लीज आपका फ्लोर आ गया है, इस पर उन्होंने जोर दिया है, ठीक है। इनमें से किसी एक को आपको जिंदगी भर के लिए भाई कह के पुकारना है, अच्छा वो कौन होगा? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो है हमजा अबासी, हुमायूं सईद और शान। हमजा अली अबासी। हमजा अली अबासी, माय ब्रदर। वाह वाह, हमजा अबासी साहब आप होंगे वो, किसका फोन है तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन है तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फोन है तो आप फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं अपना। ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब शान और जनाब हुमायूं सईद। किसका फोन है तो फौरन उठाएंगी? शान का फौरन उठाऊंगी फोन। फौरन उठेगा शान साहब, ही हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, ही इज एन इंस्पायर। मैसेज पे किसको जवाब दे रही हैं? हुमायूं सईद को मैसेज। और किसका है तो फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं? नुमान एजाज साहब, आपका फोन फिलहाल बंद करके साइड पे रखा जाएगा। ये बताइए, टाइटैनिक देखी हुई आपने? टाइटैनिक पे जाने का वक्त, दो वीआईपी पास आपके पास, एक आपका अपना, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। वो दूसरे वीआईपी पास पर आप इनमें से किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास है जनाब कायम अली शाह और जनाब परवेज खटक। नहीं, दोनों को नहीं, लेकिन परवेज खटक तो बिल्कुल नहीं, कायम अली शाह। कोई खास वजह? बुजुर्ग बंदे दुआवां देने जा। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार, दो लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक आपका अपना, दूसरा आप देके किसी की जान बचा सकती हैं। और मेरी वाली उतर नहीं सकती हैं? बिल्कुल। ओके। तो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको देना चाहेंगी? ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो हैं मियां नवाज शरीफ साहब और कौदा बाबर साहब। ये मुझे भी बताया इन्होंने, आप इधर हैं सामने। मैं तो अपने बलूचिस्तान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। फिर आई एम सॉरी, मुझे ही आप जैकेट ना दें, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, एक काम करें जैकेट मुझे ही दे दें। आइए, क्या है आपका फैसला?
मैं सोच रही हूँ कि वो तो अब उनकी तो हुकूमत है नहीं ना, नहीं आप तो हैं अभी, इन्हीं को दे दूंगी फिर थोड़ा रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। जो भी हो बाबर साहब आप लाइफ जैकेट ले उड़े हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप बच गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर इन द सेनेट दैट यू हैव। और उम्मीद करते हैं कि हम बलोचिस्तान से इस तरह हमारे और मेहमान आए और हम उनसे बात करें और बलोचिस्तान के बारे में ज्यादा जाने। जवेरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। ऑन भाई आइए नजर आप फिर।